Hello everyone, I am Dr. Vedant Karvir from Globus Gastro Hospital, Malad, Mumbai. So friends, today we are going to talk about Hepatitis B, उसके diagnosis के बारे में, इसके treatment के बारे में, इसके complications के बारे में. तो ये जो वीडियो में आपका एंड तक सुनिए, आपको Hepatitis B के बारे में सारी information मिल जाएगी. Hepatitis B एक DNA virus है और ये virus हमारे यहाँ पे काफ़ी common है. ये वायरस जो है ये लीवर को डैमेज करता है एंड लीवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है. सो हेपेटाइटिस बी दो टाइप के हो सकते हैं. हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन एक्यूट फेज में हो सकता है, जिसमें आपको इन्फेक्शन हाल फिलहाल में मिला हो और उसके कारण पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है. जॉन्डिस होके इनको नॉर्मल जॉन्डिस की तरह दिखाई पड़ता है. और ये पेशेंट्स की अगर बात करें तो मोर देन 80% ऑफ सच पेशेंट्स विल क्लियर ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस ऑन इट्स ओन इन द 6 months टाइम. तो 6 महीने के बाद हम लोग अगर इनका हेपेटाइटिस बी का चेक दोबारा करते हैं तो हेपेटाइटिस बी वायरस निगेटिव हो सकता है. कुछ सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है लाइक 20-30% जिनका नहीं क्लियर हो पाता, दे बिकम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड हेपेटाइटिस हो सकता है इनपे. सो लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, मतलब जिनको बचपन में ही हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन मिल चुका है, दे हैव क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी. एंड ऐसे पेशेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, जिनमें एक होता है कैरियर स्टेट, जो कि मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 90-92% पेशेंट जो होते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस के, वो होते हैं कैरियर स्टेट पे, जिनमें वायरस जो है वो एक्टिव नहीं होता है, जिनमें लीवर डिजीज नहीं होता है. और अराउंड 8-10% पेशेंट ऐसे होते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के, जिनमें वायरस एक्टिव होने के कारण लीवर डैमेज होने लग जाता है, जिसमें लीवर सिरोसिस भी हो सकता है. अगर इसकी प्रीवेलेंस की बात करें तो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 2-8% प्रीवेलेंस है. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 2-8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस बी होने की अनुमान है. अगर इसकी प्रीवेलेंस की बात करें तो ये हम लोग अक्सर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि आदिवासी कम्युनिटी है, इन लोगों में हमको ज़्यादा देखने मिलता है. तो इसकी डेफिनेटली स्क्रीनिंग की ज़्यादा आवश्यकता है. आज हम इस वीडियो के ये 5 कैटेगरी में डिवाइड करके देखने वाले, ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, टेस्टिंग जिसके संबंधित जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके बारे में, कोर्स ऑफ द लीवर डिजीज, एंड वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, दैट इज ट्रांसमिशन. सो अगर इंडिया की बात करें तो सबसे कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन इज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. तो माँ से होने वाले बच्चों को ट्रांसमिशन सबसे कॉमन है. अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है और वो सही तरीके से डायग्नोस नहीं हुआ है प्रेगनेंसी के वक्त, तो वो बहुत आसानी से बच्चे को हो सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्क्रीन करना जरूरी है हेपेटाइटिस बी के लिए, एंड सही योग्य टाइम पे ट्रीटमेंट देना जरूरी है ताकि ये ट्रांसमिशन रोका जा सके. नंबर 2 इज़ अनचेक ब्लड ट्रांसमिशन. अगर आपको ब्लड ट्रांसमिशन दिया जा रहा है एंड देन इट इज़ नॉट प्रॉपरली चेक्ड, तो इससे ट्रांसमिट हो सकता है. हालांकि ये काफ़ी कम हो चुका है आजकल, बट आज से 20 साल पहले जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला था तब ये बहुत कॉमन था. अनसेफ इंजेक्शंस, सिरिंजेस एंड ड्रग अब्यूजर्स, ये ऑफकोर्स ये थोड़ा कम हुआ है कुछ सालों में, लेकिन ड्रग अब्यूजर्स पे अभी भी ये बहुत कॉमन है कि वो जहाँ पे एक सिरिंज एंड नीडल मल्टीपल लोगों में इस्तेमाल की जाती है फॉर द ड्रग अब्यूज, तो ऐसे में ट्रांसमिशन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है. इसी के साथ साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में ये होता है, हस्बैंड से अपने वाइफ को हो सकता है, वाइफ से हस्बैंड को हो सकता है. उसी तरह से कोई भी अगर व्यक्ति अगर हेपेटाइटिस बी पेशेंट के संपर्क में आता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है, तो उनको भी ये ट्रांसमिट हो सकता है. फिर अगर हम हैबिट्स की बात करें तो कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जो हैबिट्स आपके लिए डेंजरस है. फॉर एग्जांपल शेयरिंग द टूथब्रशेस, हालांकि ये ना कॉमन नहीं है, बट अगर एक ही टूथब्रश मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं या एक इन्फेक्टेड पेशेंट से दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट में ये हेपेटाइटिस भी ट्रांसमिट हो सकता है. वैसे ही अगर रेजर्स अगर आप यूज़ करते हो तो अगर शेयर होते हैं, या तो आप मान लीजिए बार्बर के पास जाते हो एंड बार्बर आपका ब्लेड्स बराबर से चेंज नहीं करता है दो कस्टमर्स के बीच पे, सो ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हेपेटाइटिस भी ट्रांसमिट हो सकता है. उसी प्रकार से आजकल टैटू पार्लर्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया. सो टैटू पार्लर्स पे अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ना ली गई हो, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की गई हो, तो उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है. इस बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक अमेरिका में एक स्टडी हुआ था. इस स्टडी में उनको मिला कि जो इंक्स है वो जो टैटू का इंक होता है, दैट इंक इज अ मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस.
So friends, it is not that just the instrument has to be sterile. The ink which is used inside has to be a fresh, new, brand new ink. It should not be used from one person to another person. Another thing is, we'll go for the testing now. So kya kya test hone chahiye, the second part of this video. So kya kya test hone chahiye hepatitis B ke liye. So आप अगर हिपेटाइटिस बी आपका एच बी एस सी जी का टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव है तो इसे हम हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आपको है ऐसा हम कह सकते हैं. ऐसे में आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको क्या क्या टेस्ट एक्सपेक्टेड है. सो अगर आपका हिपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो हम उससे आगे के रिलेटेड टेस्ट हम करवाएंगे, जैसे कि एच बी वी डी एन ए क्वान्टिटेटिव टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जिसको हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं. एच बी ई एंटीजन करते हैं और हम एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन भी देखते हैं. ये हमें बताता है कि वायरस का नेचर कैसा है, क्या ये रेप्लिकेशन कितना कर रहा है, क्या ये डेंजरस है कि नहीं है. इसी के साथ हमको सिंपल टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमको सीबीसी ये सब करने पड़ सकते हैं. हम अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन करवाते हैं हर एक पेशेंट का, ये देखने के लिए कि कहीं ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से क्या इनका लीवर डैमेज तो नहीं हुआ है, क्या लीवर में अर्ली फाइब्रोसिस तो नहीं शुरू हुआ है. तो ये हम आपका करेंगे. नाउ शिफ्टिंग फर्दर टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द कोर्स ऑफ द डिजीज. द कोर्स ऑफ द डिजीज भी अगर देखेंगे तो ये आमतौर पे देखा गया है कि जिन्हें अपने चाइल्डहुड में ये इन्फेक्शन मिला हेपेटाइटिस बी का, अक्सर उनका क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्शन कॉमनली देखा गया है. और ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जिनको है, इनमें हमेशा एक रिस्क रहती है कि इनको सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है. हालांकि यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कुड बी कैरियर स्टेट ऑल्सो, जिन्हें कोई रिस्क नहीं होता, बट येस इफ यू पेशेंट हैज़ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, सो ऑलमोस्ट वी कैन से दैट 10% ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स विल डेवलप सम काइंड ऑफ लीवर डिजीज, जिसमें सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो सकता है. एंड जैसे कि आप जानते हैं, लीवर सिरोसिस जिनको है उनको हाई रिस्क होता है लीवर कैंसर्स होने का भी. सो हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा या लीवर कैंसर के लिए हमें जरूरी ध्यान देना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को. मूविंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द ट्रीटमेंट. सो फ्रेंड्स, इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर पेशेंट्स हु हैव एविडेंस ऑफ क्रॉनिक लीवर डिजीज, मतलब जिनका लीवर थोड़ा डैमेज हो रहा है हिपेटाइटिस बी के वजह से, या हिपेटाइटिस बी के वजह से उनके एलेप्टिस डिरेंज हो रहा है, या लीवर में फाइब्रोसिस हो रहा है अगर फाइब्रोस्कैन पे, तो ऐसे पेशेंट्स को हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. देर आर ओरल टैबलेट्स लाइक एंटेकाविर एंड टेनोफोविर विच आर अवेलेबल इन अवर कंट्री, एंड ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में भी मिलते हैं आपके बीएमसी ऑफ हॉस्पिटल्स पे. तो ये जो है ये आपको डेफिनेटली ये वायरल लोड कंट्रोल करने में मदद करते हैं. बट फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस ट्रीटमेंट हैज़ टू बी टेकन लाइफ लॉन्ग एंड शुड नॉट बी स्टॉप विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर. हालांकि ये टैबलेट्स, ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है, बट देर आर रेजिस्टेंस रिपोर्टेड. फॉर एग्जाम्पल एंटेकाविर जो है उसका रेजिस्टेंस हमें रिपोर्ट किया गया है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि द पेशेंट ने दवाई बराबर खाई है फिर भी उनको वायरल लोड का सप्रेस सही तरीके से नहीं हुआ है, उनका वायरल लोड कभी कभी बढ़ जाता है. तो ऐसे में रेजिस्टेंस पे हमको दवाइयाँ चेंज भी करनी पड़ती हैं. तो अगर फिर भी अगर आपको हेपेटाइटिस बी है और अगर आप ट्रीटमेंट पे हो, फिर भी आपको रेगुलर चेकअप्स आपके डॉक्टर के साथ करना बेहद ज़रूरी है. बहुत बार केवल दवाइयाँ दे के ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता. लीवर सिरोसिस होने के कारण या क्रॉनिक लीवर डिजीज होने के कारण हेपेटाइटिस बी कैन लीड टू लीवर कैंसर्स ऑल्सो. सो ये कॉम्प्लिकेशंस है. तो ऐसे केस पे लीवर ट्रांसप्लांट की भी मोहब्बत आ सकती है. और कभी कभी दूसरा एक इंडिकेशन है लीवर ट्रांसप्लांट का, कि अगर आपका एडवांस लीवर सिरोसिस हुआ है आपको, जहाँ पे आपको लीवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक जॉन्डिस, खून की उल्टियाँ होना वगैरह, तो ऐसे केसेस में कभी कभी लीवर ट्रांसप्लांट भी हमको कंसिडर करना पड़ता है. नाउ फ्रेंड्स, वील मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी. सो फ्रेंड्स, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट हेपेटाइटिस बी कैन बी समटाइम्स वेरी डेंजरस एंड कैन बी ए लाइफ थ्रेटनिंग, कैन कॉज लीवर कैंसर्स. तो क्या इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता? येस, वी कैन प्रिवेंट इट एंड वी आर डेफिनेटली ट्राइंग हार्ड टू प्रिवेंट दिस डिजीज इन अवर कंट्री. सो हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मैनर वैक्सीन्स अवेलेबल है, जिसके आपको 3 डोज लेने होते हैं.
समझिए आज आपने पहला डोज लिया तो आज से एक महीने के बाद दूसरा डोज लेना है और आज से छः महीने के बाद आपको तीसरा डोज लेना है। ऐसे तीन डोज आपको लेने हैं एंड दैट कैन इफेक्टिवली प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। So now you will be happy to know that our government of India has made it as a mandatory vaccine for each and every child. So अभी हमारे हर एक बच्चे को ये जरूर मिलता है। One more point which I would like to highlight here is sometimes patients get accidental exposure from hepatitis B infection. मान लीजिए कोई nurse है जो अस्पताल में काम करती हो एंड उनको एक हेपेटाइटिस बी मरीज का इलाज कर रही हो तो उनको गलती से कभी कभी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट की नीडल सुई लग जाती है या कभी उनका ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं और ऐसे में कभी कभी जो जिस लोग कांटेक्ट में आता है वो व्यक्ति जो है उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ रहता है तो ऐसे में दूसरे भी एक प्रकार होते हैं जैसे कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस अवेलेबल है जो हम उनको ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं और उन्हें हम हेपेटाइटिस बी से बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स इन केस अगर आपको किसी को एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाते हैं आप हेपेटाइटिस बी पेशेंट से तो आप डरिए बिल्कुल नहीं, आप तुरंत आपके नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। Thank you so much for watching this video.